ज ऑडिबल यस ऑडियो एंड वीडियो सब बढ़िया है तो चलिए यहां पे हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मैं बहुत बोरिंग बोरिंग से सेशन उठा रहा हूं है ना तो लेथ है जो कि आप सभी लोगों को बोरिंग लगता होगा ठीक है पर अगर आप जैसे लाइव ऐप में आके पढ़ोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि लेथ मैं आपको कितना इंटरेस्टिंग वे में और अच्छे से समझा सकता हूँ ठीक है तो चलिए मैं अब अपना मोबाइल करता हूँ बंद क्योंकि ऑडियो वीडियो मैंने चेक कर लिया है सब बढ़िया है स्क्रीन मेरे सामने है ही आपके कमेंट्स यहाँ दिखते मुझे रहेंगे बेटा लेथ में से जो क्वेश्चन आते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं ठीक है सबसे पहले लेथ के अंदर अगर गलती से कुछ पूछ लिया तो कुछ मशीनी टाइम से मिलता जुलता कुछ पूछ लिया आपसे ठीक है और लेथ में आप मशीनिंग क्या करते हो टर्निंग करते हो हाँ ना वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन है टर्निंग है टेपिंग है थ्रेडिंग है ठीक है फेसिंग है ठीक है एस, आ, रीमिंग है ठीक है टेपिंग आ, टेपिंग मैंने बोल ही दिया तो इतने सारे इतने सारे आपके यहाँ पर क्या होते हैं ऑपरेशन होते हैं पर मेजरली जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे वो आपसे आपके लेथ के ऊपर मशीनिंग टाइम के ऊपर पूछा जाता है तो उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है लेथ तो ये पिक्चर आपको एकदम साफ दिख रही होगी देखो बेटा लेथ के अंदर आपको मैं जरा यहाँ चेक कर लूँ क्या ये आ, व्यू विजिबल है क्या आपको इज़ दैट व्यू इज़ क्लियर टू यू क्या ये स्क्रीन आपको क्लियर है क्या ये आपको जो इमेज है ये क्लियर है क्या मतलब साफ साफ दिख रही है क्या बताइए ज़रा मेरे को बताइए ताकि मैं या तो फिर से चेंज करूँ अगर आपको यहाँ पे क्लियरली ये नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको क्या करूं फिर चेंज करूं यस और नो हाँ क्लियर है अगर मैं इसको बड़ा करता हूं बेटा आइए फटाफट फटाफट यहाँ पर मेन मेन चीजें हम देख लेते हैं बेटा ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर ठीक है विजिबल विजिबल ओके ये जो आप लेत का पार्ट कौन सा ये वाला जो लेत का पार्ट आप देख रहे हो ना इसे क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं बेटा हेड स्टॉक इसे क्या कहते हैं हेड स्टॉक ठीक है हेड स्टॉक इसे हम क्या कहते हैं हेड स्टॉक समझ में आ रहा है हेड स्टॉक इसे हम क्या कहते हैं हेड स्टॉक अब आपको पता होगा कि हेड स्टॉक में क्या होता है अरे हेड स्टॉक में जितनी भी मोटर्स होती हैं वो लगी होती है जितने भी बॉक्स होते हैं वो लगे होते हैं ताकि आपके इस चक को देख रहे हैं आप ताकि आपके यहाँ पर जो ये चक है ये चक है ये क्या कर सके इस ये आपका रोटेट कर सके तो ये चक है जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइस है ठीक है ये चक है जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइस है और देखिए यहां पर आप देख रहे हो ये कैरिज है दिस इज नॉट कैरिज कैरिज क्या कैरिज आपकी वो जगह होती है जो कि जिसके ऊपर आप क्या टूल पोस्ट लगाते हो ये जो देख रहे हो क्या है आपका ये टूल पोस्ट है जहां पर आप टूल को क्या करोगे माउंट करोगे ठीक है बेटा यहां पे ये लीड स्क्रू है ये आपका आ, 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 फीड रॉड फीड है ठीक है यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या है ये टेल स्टॉक है है ना टेल स्टॉक है जिसके अंदर या तो आप ड्रिल का चक लगा सकते हो अगर ड्रिलिंग करनी हो फेस के ऊपर या बहुत लंबा अगर वर्क पीस हो तो दूसरे एंड को आप टेल स्टॉक के सहारे यहां पे क्या कर सकते हो यहां पर टिका सकते हो तो ये तो हल्का सा एक ग्लिम्स हो गया आपकी इस पिक्चर का ठीक अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर आ, बहुत सिंपल से पिक्चर है ये बहुत सिंपल से पिक्चर है ये ये आई होप आप लोगों को समझ में आनी चाहिए आ, नहीं ये आपको नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं मैं इसको अलग से बनाऊंगा यहाँ पर अगर आपको विजिबल नहीं है मैं इसको यहाँ पर अलग से बनाऊंगा ओके बहुत ही सिंपल डायग्राम आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ लेथ का बेटा देखो लेथ पे आपका सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ ये बेड बेड क्या होता है लेथ में बेड क्या होता है बेड वो जगह होती है लेथ के अंदर जहां पर सारी की सारी कटिंग चिप्स कलेक्ट होती हैं कटिंग फ्लूट्स कलेक्ट होता है जहां पर सारी वाइब्रेशन आती है वो सारी वाइब्रेशन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है तो ये बेटा क्या है बेड है अब यहां मैं बनाने जा रहा हूं आपका क्या हैडस्टॉक ये रहा बेटा हेड स्टॉक ये जो आप देख रहे हो दिस इज वॉट दिस इज हेड स्टॉक ये मैंने यहां पे बना दिया है दिस इज दिस इज बेसिकली मैं लिखता भी जा रहा हूं फटाफट मैं लिखता भी जा रहा हूं फटाफट ये क्या है बेटा ये है बेड है ना ये है बेड और ये क्या है आपका ये है हेड स्टॉक दिस इज वॉट दिस इज हेड स्टॉक ठीक है दिस इज हेड स्टॉक ये क्या है आपका यहां पर ये है हेड स्टॉक हेड स्टॉक कुछ पता है हेड स्टॉक के बारे में जितनी भी मोटर्स होती हैं वो आपके हेड स्टॉक के अंदर लगाई जाती है ठीक है गियर्स होते हैं वो कहां लगाए जाते हैं हेड स्टॉक के अंदर लगाए है. है, जाते हैं है. तो देखो बेटा ये मोटर है ठीक है ना ये मोटर है इसको यहाँ लगाया गया है ये रही आपकी यहाँ पर मोटर अब ये मोटर क्या करेगी मोटर कहीं ना कहीं पावर को सप्लाई करेगी है ना, ना मोटर कहीं ना कहीं पावर को सप्लाई करेगी ये तुम्हारा स्पिंडल हो गया स्पिंडल के ऊपर क्या लगा होगा यहाँ चक लगा होगा चक दे इंडिया है आज तो आई भी स्टार्ट हो गया चक लगा होगा यहाँ पे ये चक जो कि वर्क पीस को होल्ड करता है ठीक है ये आप जो देख रहे हो ये क्या हो गया के चक चक क्या होता है वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है ठीक है इतना समझ में आया आपने को अब दूसरा आपका यहां पर होती है वेज वेज क्या क्या होती है? जिसके ऊपर करेगी? करेगी, ऐसे ऐसे झूला झूलेगी ये देखो ये देखो आपको मैं वेज दिखाता हूं ये वेज ऐसी होती है जिसके ऊपर पटरियां होती है बेसिकली आप ऐसे मान के चलो देसी भाषा में ये क्या है यह पटरी है है हाँ ना जिस पे जो कैरिज है वो क्या करेगी आपकी स्लाइड करेगी तो जो आप ये देख रहे हो वेस ये वेस वो जगह होती है जिसके ऊपर आपकी कैरिज क्या करेगी ऐसे स्लाइड करती है वेस आपकी आयरन की हाँ आपकी यहाँ पर ये हार्ड एन रेल है मेटल की हार्ड एन रेल है एक तरीके से हार्ड एन ट्रैक है जिसके ऊपर कैरिज क्या, क्या करेगा स्लाइड करेगा ठीक है जिसके ऊपर आपका कैरिज क्या करेगा स्लाइड करेगा तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ये वेस ध्यान से देखिएगा अब अपन यहां बनाने जा रहे हैं वेस तो ये बन बना दी मैंने यहां पे क्या वेस गॉट इट दिस इज वॉट दिस इज वेस ओके ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये यहां पर वेस 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 है वेज. ठीक है ठीक अब इस वेस के ऊपर आपने देखा कि कैरिज आपका लीनियर मोशन करता है तो ये लो भाई कैरिज आपके सामने अपन यहां कैरिज भी बना देते हैं ये जो आप देख रहे हो बेसिकली ये क्या है बेटा कैरिज सी ए डबल आर आई ए जी ई सी ए डबल आर आई ए जी ई कैरिज क्या करता है लीनियर मोशन करता है कैरिज क्या करता है बेटा लीनियर मोशन करता है ऐसे कैरिज इधर और उधर जाएगा अच्छा कैरिज लीनियर मोशन कैसे करेगा हाँ इसको कुछ ना कुछ तुम इनपुट तो दोगे इसको कुछ ना कुछ तुम यहाँ पे क्या दोगे किशन किशन चौरासिया मैसेज डिलीट कर दिए क्या ऐसा क्या लिख दिया भैया हाँ अब यहाँ जो आप देख रहे हो कैरेज ये कैरेज लीनियर मोशन करता है अब इस कैरेज को लीनियर मोशन कराने के लिए कुछ इनपुट तो जाएगा ना जी हाँ इसको लीनियर मोशन कराने के लिए यहाँ पर दो रॉड्स लगी होती हैं यहाँ पर लगी होती है दो रॉड्स ठीक है यहाँ पर लगी होती हैं आपकी दो रॉड्स ये हो गई आपकी एक रॉड ये जो आप देख रहे हो ये हो गई आपकी एक रॉड ना और दूसरी रॉड में बनाने जा रहा हूं यहां पर येलो कलर से ये हो गई आपकी एक और रॉड ठीक है एक होती है आपकी लीड स्क्रू और एक होता है आपका फीड रॉड ठीक है तो ये जो आप हरी वाली देख रहे हो इसको मैं यहां पे लिखूंगा ये है लीड 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 स्क्रू लीड स्क्रू ओके लीड स्क्रू व्हाइट से लिखता हूं ज्यादा दिखेगा शायद ठीक है ना वाइट से लिखता हूं ज्यादा दिखेगा लीड स्क्रू ये क्या है बेटा ये आपका है लीड स्क्रू लीड स्क्रू ठीक है और ये जो देख रहे हो पीली वाली ये है आपका फीड रॉड फीड रॉड फीड रॉड तो इन इन रॉड्स की मदद से बेसिकली जब ये रॉड रोटेट होती है तो ये कैरिज क्या करता है लीनियर मोशन करता है समझ में आया अब आप कहोगे सर इनको रोटेट कौन कराएगा अरे भाई मोटर से तुम इसको क्या दोगे पावर का सप्लाई दोगे ना मोटर से तुम इनको पावर का सप्लाई oh! दोगे है ना इसको आप आप क्या कराओगे? इसे आप रोटेट कराओगे इसे रोटेट मोटर से हाँ इसको आप पावर द... इसको आप क्या दोगे पावर दोगे ताकि आपकी ये क्या कर सके रोटेट हो सके जब ये रोटेट होगी तो कैरेज क्या करेगा लीनियर मोशन करेगा कैरेज के ऊपर लगा होता है आपका टूल पोस्ट तो ये रहा भाई आपका टूल पोस्ट ठीक है ये रहा यहां पर टूल पोस्ट दिस इज व्हाट टूल पोस्ट यहां पर आप क्या लगाते हो बेटा यहां पर आप लगाते हो टूल को यहां पर आप लगाते हो किसको टूल को और टूल आप टूल को माउंट करते हो और वो आपकी क्या करेगा मशीनिंग अच्छा यहां पर मैं बना दूं जरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना ये मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बना दिए भाई तो अगर वर्क पीस को माउंट करोगे तो वो इस एक्सिस एक्सिश रोटेशन के अब रोटेट करेगा यहाँ पर एक बहुत खास चीज और होती है आपकी और उसको हम कहते हैं यहाँ परिस इज वॉट टेल स्टॉक ठीक है यहां पर इसे हम कहते हैं टेल स्टॉक टेल तो स्टॉक टेल स्टॉक एस टी ओ सी के टेल स्टॉक टेल स्टॉक क्या करता है टेल स्टॉक अगर आपका वर्क पीस काफ़ी लेंदी है है ना अगर आपका वर्क पीस यहाँ पर काफ़ी लेंदी है तो ये टेल स्टॉक आपके वर्क पीस के अदर एंड को होल्ड करने के काम भी आ सकता है या अगर आपको यहाँ पर टूल माउंट करना है जैसे आपको वर्क पीस की फेस पे ड्रिलिंग करनी है तो यहाँ आप ल... ड्रिल टूल का चक लगाकर यहाँ पर ड्रिल टूल को क्या कर सकते हो आप लगा सकते हो ताकि आप वर्कपीस के फेस पे क्या कर सको ड्रिलिंग कर सको यस और नो समझ में आया कि नहीं आया तो टेल स्टॉक के अपने भी बहुत सारे फायदे होते हैं तो बेटा ये सबसे सिंपल लेथ का डायग्राम है इतना आप बनाओगे ना आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा और इसके ऊपर ही बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है अब मुद्दा यह आता है कि लीड स्क्रू और आपके फीड रॉड में अंतर क्या है अब यहाँ पर देखो आपका कैरिज लीनियर मोशन दोनों से कर रहा है लीनियर मोशन दोनों सहायता से करेगा बट अगर आपको यहाँ पर थ्रेडिंग करनी हो सिंपल पहले अगर आपको यहाँ पर क्या करना हो यहां पर आपको सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन करना हो यहां पर आपको टर्निंग टर्निंग ऑपरेशन करना है टर्निंग ऑपरेशन करना है तो बेटा टर्निंग ऑपरेशन के अंदर आपके लिए ज़रूरी क्या होता है टर्निंग ऑपरेशन में आपके लिए ज़रूरी होता है सिर्फ वर्क पीस जिसकी आप मशीनिंग कर रहे हो जरा फटाफट देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे मैं टर्निंग करूँगा तो कुछ इस तरीके से नज़ारा बनेगा है ना ये मैं टर्निंग कर रहा हूँ और मुझे यहाँ ऑब्वियस एक चक भी बनाना पड़ेगा ना चक क्या होगा आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस होगा है चक यहाँ पर वर्क होल्डिंग डिवाइस होगा ठीक है ना ये हो गया चक ये जो कि वर्क को होल्ड कर रहा है और यही चक होगा जो कि वर्क पीस को इसकी एक्सेस के अबाउट क्या कराएगा रोटेट और यहाँ पे ये क्या होगा आपका टूल होगा है ना ये क्या होगा आपका टूल और ये कहाँ पे माउंट होगा ये माउंट होगा आपके टूल पोस्ट के अंदर हाँ और टूल पोस्ट मतलब कैरिज के अंदर ठीक है टूल पोस्ट मतलब कैरिज के अंदर अब देखो तुम यहाँ पर इस चक्की सहायता से वर्क पीस को तो रोटेट करा रहे हो इसको तो तुम आरपीएम दे रहे हो और टूल को तुम दे रहे हो यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या फीड बेसिकली तुम टूल को इस डायरेक्शन में क्या दे रहे हो फीड लीनियर मोशन इसके लिए तुम्हें इस कैरिज को भी लीनियर मोशन कराना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें इस कैरिज को भी क्या कराना पड़ेगा लीनियर मोशन कराना पड़ेगा बेटा एक चीज़ बताऊं मैं आपको एक चीज बताऊं मैं आपको लीनियर मोशन जब आपको यहां पर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करना होता है जब आपको यहां पर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करना होता है तो आपका फीड रॉड को कैरिज हां फीड रॉड को फीड रॉड के रोटेशन से कैरिज लीनियर मोशन करेगा ठीक है फीड रॉड फीड रॉड फीड रॉड जब रोटेट करेगा तो आपका फीड रॉड जब आपका रोटेट करेगा तो कैरिज क्या करेगा लीनियर मोशन और आपकी सिंपल क्या होगी टर्निंग ऑपरेशन टर्निंग ऑपरेशन होगी मतलब क्या है मेरा अगर आपको सिर्फ टर्निंग ऑपरेशन करना है तो कैरिज का लीनियर मोशन मतलब टूल का लीनियर मोशन डिपेंड करेगा फीड रॉड पे इज दैट क्लियर ये क्वेश्चन आते हैं इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर बताओ यार जल्दी इज दैट क्लियर is that clear this th this concept is clear to all of you this concept is clear to all of you tell me yes or no फटाफट hmm. फटाफट बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी लोगों को ओके okay. क्लियर है क्लियर है चलो अब मैं यहां पर बताऊंगा कि तुम्हारा लीड स्क्रू यहां पर जो तुम एक और रोड देख रहे थे लीड स्क्रू इसका यहां पर क्या रोल है ठीक है देखो लीड स्क्रू का क्या रोल है अगर तुमको करना है यहां पर लेट्स ए थ्रेडिंग ऑपरेशन अगर तुमको यहां पर करना है थ्रेडिंग ऑपरेशन तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बना देते हैं वर्क पीस ठीक है मैं वर्क पीस बाद में बनाऊंगा हम्म चलिए पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर चक ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा कि भाई मैंने यहाँ पे चक बना दिया है ठीक है और चक बना देते हैं सबसे पहले तो ये रहा चक जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइस है ठीक है ना ये रहा यहाँ पे चक जो कि आपका क्या है वर्क होल्डिंग डिवाइस है ठीक है वर्क होल्डिंग डिवाइस है अब देखो यहाँ पर ठीक है अब मुझे इस वर्क पीस में फेट्स बनाने हैं अब एक्चुअली मैं अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो वो आपकी रब होने में बड़ी दिक्कत करेगी तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पे बाय हैंड ड्रॉ करता हूँ ठीक है बाय हैंड इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ अगर होती है तो ठीक है नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे बनेगा नहीं मुझे पता है वाई शुड आई वेस्ट योर टाइम मेरे पास तो खूब टाइम ही टाइम है मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ ठीक है अब इस वर्क पीस पर मुझे थ्रेड्स काटने हैं थ्रेड का मतलब क्या हुआ थ्रेड का मतलब कुछ ऐसे हुआ कि जो टूल है ना वो जब आपकी कटिंग करेगा तो वो इस तरीके से अंदर जब जाएगा ऐसे तो यहाँ पे थ्रेड कट होंगे है ना यहाँ पे आपके क्या थ्रेड कट्स होंगे और जब ये थ्रेड कट होंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटिंग होगी मैं पहले यहां पर थ्रेड्स दिखाता हूं आपको ठीक है सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं थ्रेड्स ठीक है तो जब आप यहां पे थ्रेड्स काटोगे तो यहां पर से इस तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि ये यह आपको यहां पर ये यह देखिए इस तरीके से यहां पे थ्रेड होंगे अब ये थ्रेट कट करने के लिए यहां पे जो ये टूल होगा ना आपका ये जो टूल होगा वो इस तरीके से ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और ऐसे कटिंग करेगा समझ रहे हैं? अब ये टूल जो है किससे अटैच होगा टूल पोस्ट से टूल पोस्ट किससे अटैच होगा कैरिज से तो ये कैरिज भाई ये कैरिज ठीक है ये कैरिज ये रहा आपका क्या कैरिज अब देखो अब इस कैरिज को लीनियर मोशन कराना है क्योंकि मोशन कराना यहां भी थ्रेड कट करनी है यहां भी आपके टूल को क्या देना है फीड ही देना है बट इस कैरिज का जो लीनियर मोशन होगा यहां पर अब वो डिपेंड करेगा यहां पर आपके इस लीड स्क्रू से इस लीड स्क्रू से, 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 से लीड स्क्रू से लीड स्क्रू से लीड स्क्रू से समझ में आया बात समझ में आई लीड स्क्रू से ही आपका यहां पर ये टूल जब मूव करेगा तभी आपके इस तरीके से यहाँ पे थ्रेड्स कट होंगे क्लियर ये बात को दिमाग में बिठा लो यहां से क्वेश्चन आता है अच्छा लीड स्क्रू मैंने बोला तो इसमें भी आपके पता है क्या होते हैं इसके अंदर भी थ्रेड बने होते हैं तो मैं जरा इसको बड़ा करके दिखाता हूं तुमको ये देखो मैं तुम्हें इस लीड स्क्रू में बड़ा करके दिखाऊ ना तो इसके अंदर भी बेटा थ्रेड्स होते हैं तो देखो यहाँ पे थ्रेड्स दिखाता हूं आपको मैं देखो इस तरीके से यहाँ पर इसमें भी थ्रेड्स होते हैं और पता है कौन से थ्रेड्स होते हैं थ्रेड्स थ्रेड्स होते होते हैं हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है ये तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया है कि लीड स्क्रू में जो थ्रेड होते हैं वो कौन से थ्रेड होते हैं एक्ट थ्रेड्स होते हैं ठीक है गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है यही का यही अच्छा थ्रेड्स अगर होते हैं तो इसमें एक् थ्रेड का एंगल क्या होता है आपने डिजाइन में पढ़ा होगा डिजाइन चली रही है आपकी हैविंग एन एंगल ट्वेंटी नाइन डिग्री यहाँ पे एक् थ्रेड का एंगल जो होता है वो कितना ट्वेंटी नाइन डिग्री का लिया जाता है ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है तो आपका जो लीड स्क्रू है इसके ऊपर क्या होता है बेटा एक थ्रेड होते हैं एक थ्रेड होते हैं जिसके अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है 29 डिग्री का होता है कितना 29 डिग्री का होता है और लीड स्क्रू की सहायता से ही आपकी यहाँ पे क्या होगा थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा थ्रेडिंग ऑपरेशन होगा इस बात को दिमाग में बिठा लो अगर तुमको यहाँ पे सिंपल टर्निंग करना है सिंपल टर्निंग करना है तो फीड रॉड की सहायता से यहाँ पे कैरिज क्या करेगा लीनियर मोशन करेगा यस और नो यहाँ पे कैरेज करेगा लीनियर मोशन यहाँ पे कैरेज करेगा लीनियर मोशन यहाँ पे कैरेज करेगा लीनियर मोशन इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर अब तक जो पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है यहाँ से आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर समझ में आ रहा है टू द पॉइंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है लेट में पढ़ाने को बहुत कुछ है मैं तो यहाँ पे तुम्हें लेट दस दिन तक पढ़ा सकता हूँ बट तुम्हारे एस एस सी के एग्जाम में वो चीज आनी तो चाहिए बोलो वो चीज आनी तो चाहिए मैं तो दस दिन तक तुम्हें लेट पढ़ा सकता हूं डेली ठीक है अब लेट में पी एच डी सोना करनी है तुमको यहां पर तो ये तुम्हारा यहां पर एक में थ्रेड है, है ना यहां पर क्या है इसमें एक में थ्रेड है एक में थ्रेड्स है एक में, थ्रेड एक में क्या है थ्रेड्स है ठीक है लीड स्क्रू के अंदर 29 डिग्री इसमें एंगल होता है ये सारा यहाँ पर आया हुआ है अच्छा ये किसकी बात अपन कर रहे हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अगर आप यहाँ पर थ्रेडिंग ऑपरेशन की बात करते हो बोलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा इतनी बात समझ में आ गई कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई दिक्कत बताओ जल्दी कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी कोई दिक्कत इतनी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है हाँ इतनी बात आपको क्रिस्टल क्लियर है इज दैट इज दर एनी प्रॉब्लम इज़ देयर एनी प्रॉब्लम बताइए जल्दी बताइए जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा हाँ ओमकार बाकी जो चार बच्चे यहाँ पे जितने भी लाइव हैं कृपया अपनी वाणी का यहाँ पर प्रदर्शन करें क्या आपको ये समझ में आ गया चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा तो लेट मोटा मोटा आपको अभी तक थोड़ा समझ में आया है ना तो लेथ को मैं फटाफट समझा देता हूँ एक बार फिर से लेथ के अंदर जो आपका लेथ क्या है एक तरीके की एक वो लार्ज मशीन है जहाँ पर आप रोटेटिंग वर्क पीस की मशीनिंग करते हो नॉन रोटेटिंग टूल से लेथ में जनरली टूल आपका रोटेट नहीं करता थ्रेडिंग में टूल रोटेट कर रहा है आपका टर्निंग में टूल रोटेट कर रहा है नहीं तो नॉन रोटेटिंग टूल से नो प्रॉब्लम सर ओके नॉन रोटेटिंग टूल से आप रोटेटिंग वर्क पीस की क्या कर रहे हो बेटा Machining कर रहे हो लेथ में स्टॉक क्या होता है लेथ में स्टॉक वो जगह होती है जहां पर सारी की सारी मोटर्स सारे के सारे गियर्स लगे होते हैं आगे बात समझ में लेथ के अंदर वेस क्या होती है वेस वो पटरी होती है जिसके ऊपर तुम्हारी कैरिज क्या आगे पीछे चलती है ठीक है कैरिज आपकी आगे पीछे क्या करती है मूव करती है लेथ में टेल स्टॉक क्या होता है लेथ में टेल स्टॉक वो जगह है अगर आपका वर्क पीस काफी लेंदी है तो वर्क पीस के अदर एंड को होल्ड करने के काम आता है या आप टेल स्टॉक के अंदर आप किसी टूल को भी फिट कर सकते हो जैसे ड्रिल का टूल आप उधर ले टेल स्टॉक में लगा सकते हो ठीक है ड्रिल चक्के साथ ठीक चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा बेड मैंने आपको बता ही दिया है हाँ ना कैरेज के बारे में बता दिया लीड स्क्रू के बारे में बता दिया मैं बार बार कह रहा हूं लीड स्क्रू के बारे में याद रखना लीड स्क्रू की मदद से आप थ्रेडिंग करते हो और लीड रॉड या फीड रॉड की मदद से आप टर्निंग ऑपरेशन करते हो आप टर्निंग ऑपरेशन करते हो लीड स्क्रू का लीड स्क्रू के अंदर कौन से थ्रेड होते हैं एक में थ्रेड होते हैं लीड स्क्रू के अंदर कौन से थ्रेड होते हैं एक में थ्रेड होते हैं कितना एंगल होता है 29 डिग्री का एंगल होता है ये 29 ठीक कर, का है, अच्छा है. है? है. है तो इतना आपको समझ में आ गया यहां पे अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो यहां पर दिखने के अंदर ये जो एक्मे थ्रेड होता है ये कुछ ऐसे यह है लीड स्क्रू और यह है फीड रॉड जो कि आपके जो कि आपके यहाँ पे हेड स्टॉक से पावर लेके आगे जाके किसको ट्रांसफर करता है कैरिज कैरिज इस तरीके से लगा होता है बेटा ध्यान देना बहुत तबियत से ध्यान देना आपका जो कैरिज है आपका जो कैरिज है वो इस तरीके से लगा हुआ है ये कैरिज लगा हुआ है और कैरिज के अंदर से इस तरीके से लीड स्क्रू जाता है और ये फीड रॉड जाता है या लीड रॉड जाता है और इसके ऊपर लगा रहता है तुम्हारा क्या टूल पोस्ट और यहां पर आपका लगा हुआ है टूल तब जाके आपकी क्या होती है मशीनिंग होती है तब जाके आपकी यहाँ क्या होती है मशीनिंग होती है इज दैट क्लियर बेटा इतना ज्यादा क्लियर मैंने कर दिया है इतना विजुलाइजेशन आपको दे दिया है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है कि भाई तुम यहाँ पर जो इस वर्क पीस को ऐसे रोटेट करा रहे हो है ना मैं जरा यहाँ पे क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको यहां पे मैं कॉपी कर लेता हूं ठीक है जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट मैं इसको यहां कॉपी कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा नीचे हाँ हाँ नहीं, नहीं नहीं यहाँ पर हाँ ये रहा मैं इसको यहाँ ले आया आप मेरे को एक बात बताओ जब अपन टर्निंग ऑपरेशन करते हैं है ना जब अपन टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं जरा यहाँ पे एक तो ये वाली चीज़ें हटा देता हूँ अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है ठीक है अभी मुझे ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है ना इसकी ना इसकी, ना इसकी, हाँ, अब अब देखो अब एक बात बताओ मुझे जब आप यहां पे टर्निंग ऑपरेशन करोगे तो बेटा इसको आप क्या देते हो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको यहां पे ले जाऊं यहां पे टर्निंग ऑपरेशन के अंदर है हाँ ना टर्निंग ऑपरेशन के अंदर जो तुम वर्कपीस को रोटेट कराते हो या स्पीड देते हो ये देखा जरा इसको मैं हटा दिया हूं ठीक है यहां पर आपका क्या है हैडस्टॉक है यहां पर आपका क्या है ये हेडस्टॉक है है ना हेडस्टॉक में क्या लगी हुई है आपकी मोटर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं ये हेडस्टॉक है दिस इज वॉट हेडस्टॉक यहां पे मोटर लगी हुई है और मोटर के साथ बेसिकली यहां पे इस तरीके से क्या लगी रहती है यहां पे इस तरीके से ये मोटर लगी रहती है ठीक है ये क्या है आपका यहां पर मोटर दिस इज वॉट मोटर मोटर के आगे यहां लगा रहता है आपका एक गेयर बॉक्स एक गेयर बॉक्स देख रहे हैं आप इस तरीके का गेयर बॉक्स लगा रहता है ये रहा गेयर बॉक्स गेयर बॉक्स ठीक है ना ये रहा गेयर बॉक्स इज दैट क्लियर इस तरीके से मोटर से आप यहां दे रहे हो गेयर बॉक्स से ये स्पिंडल में स्पिंडल से आपका क्या में यहां पर आपका स्पीड जाता है अब आप यहाँ पर जो आरपीएम है बेटा यहाँ पे जो आरपीएम है जैसे आप इसको इंक्रीज़ करोगे जैसे सपोज करो इसका मिनिमम लेट से अभी इसका मिनिमम मिनिमम स्पीड यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है आरपीएम से मिनिमम स्पीड मतलब क्या आरपीएम की ही बात कर रहा हूँ मैं रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर मिनिमम स्पीड यहां पर अरे भाई रुक तो जाओ मिनिमम आरपीएम लेट्स से इसका एन वन है एन वन है तो नेक्स्ट आरपीएम जो होगा वो किस ऑर्डर में होगा उसका नेक्स्ट आरपीएम किस ऑर्डर में होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन है अगला आरपीएम जो आएगा ना एन टू वो आपका जीपी में आएगा एन वन का जीपी बनेगा मतलब यहां पे आपका जो स्पीड होता है वो अगर आप बढ़ाओगे तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ही बढ़ा सकते हो नहीं तो यहां पे काम नहीं चलेगा मतलब गियरबॉक्स में जो आप सेटिंग करते हो ना मिनिमम आरपीएम अगर एनअल है तो अगला आरपीएम क्या होगा आपका उसका नेक्स्ट हायर आपका जीपी में आएगा मेरी मेरा मतलब यह है मेरे मेरा मतलब यह है यहां पर समझिएगा कि आपका लेट से यह आपका क्या है बेटा मिनिमम मिनिमम आरपीएम मिनिमम स्पीड मिनिमम स्पीड अगर आपकी एन वन है तो जो नेक्स्ट होगी वो होगी आपकी आर जीपी में तो ये हो गया एन वन आर इसकी नेक्स्ट वापस जीपी में एन वन आर स्क्वायर इसकी नेक्स्ट एन वन आर क्यू ठीक है मतलब फर्स्ट फर्स्ट स्पीड सेकेंड स्पीड थर्ड स्पीड फोर्थ स्पीड एंड सो ऑन एंड सो ऑन मैक्सिमम जो यहां पे आरपीएम होता है मैक्सिमम जो स्पीड यहां पर आपकी जाएगी ठीक है मैक्सिमम मैक्सिमम आरपीएम या स्पीड ओके मैक्सिमम आरपीएम या स्पीड जो यहां पे जाएगा वो आपका जाता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहां पे मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं कि भाई यहां पे मैक्सिमम आरपीएम क्या रहता है ठीक है वो मैं अभी आपको सब बताऊंगा पहले मुझे बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है देखो पहले ये समझ में आया कि जो आपका यहां पर आर होगा जो यहां पे स्पीड होगी वो किसमें होगी जीपी में वो किसमें होगी जीपी में बताओ इतना सबको समझ में आ गया इतना सबके भेजे में घुस गया इतना सबको याद हो गया कि यहां पर जो आप स्पीड बढ़ाओगे वर्क पीस का आरपीएम बढ़ाओगे वो जीपी में बढ़ेगा वर्क पीस का आर बढ़ाओगे वो किस में बढ़ेगा जीपी में बढ़ेगा ओके तो ये याद रखना बहुत क्वेश्चन आया है तुमको पहले दिखाई देता हूं ये देखो ये देखो क्वेश्चन ही दिखाता हूं ये लो जब तुम्हारा ईएससी के अंदर सा क्वेश्चन आया है तो फिर एस की तो क्या औकात है? हैं देखो बताओ मुझे फटाफट आंसर बताओ फटाफट राकेश कुमार कह रहे हैं सर लेक्चर फोर एंड फाइव प्ले में नहीं है ठीक है बेटा मैं चेक करवाता हूं राकेश कि लेक्चर प्लेलिस्ट में क्यों नहीं है और मैं बोलता हूँ इस इस प्रॉब्लम का हम समाधान करते हैं कि लेक्चर फोर एंड फाइव प्ले में क्यों नहीं है भाई है ना एक बार बार मुझे तो दिख रहा है राकेश प्ले के अंदर आप जब उसमें जाते हो तो वहाँ दिख रहा है प्लेलिस्ट में पर फिर भी अगर आप ऐसा बोलते हो तो मैं जहाँ चेक करवा लूंगा तो आंसर क्या होगा बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और देखो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन और है फीड गेयर बॉक्स फॉर स्क्रू कटिंग अरे आप लेथ में जो भी आरपीएम दे रहे हो स्क्रू कटिंग या सिंपल टर्निंग ऑपरेशन स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो वो किस में बढ़ेगी स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो वो आपके जीपी में ही बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो किस में बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बढ़ेगी इतना समझ में आ गया भाई आपको इतना समझ में आ गया अब मैं आपको बताता हूं कि यहां जो स्पिंडल की स्पीड होती है जैसे आपकी मिनिमम एन वन है तो उसकी नेक्स्ट वन क्या होगी एन वन आर आर जोमेट्रिक आपका बेसिकली रेशो मान लो अगर समझना है या इसको टेक्निकल भाषा में लेथ में कहते हैं स्टेप रेशो और ये आया कहां से इसको निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी उसकी नेक्स्ट वन होगी एन वन आर स्क्वायर उसकी नेक्स्ट वन होगी एन वन आर क्यूब और मैक्सिमम आर जो होगा वो एन वन आर की पावर स्मॉल एन माइनस वन अभी ये स्मॉल एंड क्या है स्मॉल एंड माइनस बताता हूं आपको देखो आपको कहीं ना कहीं कटिंग कंडीशन से ये तो पता होगा ना कि वर्कपीस को मिनिमम स्पीड से कितना कट कर सकते हैं भाई कटिंग कंडीशन आपको पता होगा कि वर्क पीस ये है इसको कट करना है ये टूल है ये कूलेंट है तो मिनिमम आरपीएम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम आरपीएम कितना रख सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा ठीक दूसरा आपको ये पता होगा कि मेरे को यहाँ पर जो जैसे आपको ये पता पड़ गया यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना आप दोस्त यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना आपको ये पता पड़ गया कि भाई जो मिनिमम आरपीएम से मैं जो यहाँ पे कटिंग करूँगा मिनिमम आरपीएम से जो मैं यहाँ कटिंग करूँगा वो क्या है वो है मेरी यहां पर लेट से एन वन ठीक है वो क्या है मेरा लेट से एन वन और एन मिनिमम है ना मैं यहां पे एन वन को यहां पे बोल देता हूं एन मिनिमम ठीक है अब इसको हटाओ ये रहा एन मिनिमम फिर आपको ये पता होगा कि maximum RPM हम कितना रख सकते हो कटिंग मैक्सिम से मैक्सिमम rpm आप कितना रख सकते हो कटिंग कंडीशन से आपने बोला सर वो अपन रख सकते हैं मैक्स अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि भाई तू तो एनम से एनमेक्स है ना एनमिन से एनमैक्स कितने स्टेप में इंक्रीज करेगा अरे गाड़ी में तुम्हारा जो मिनिमम स्पीड है वो क्या होगा जीरो या चलो गाड़ी जब कार चला रहे हो मिनिमम स्पीड मैंने मान के चला कि भाई तुम 10 से चल 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो और तुम जाना कहाँ तक चाहते हो अपनी कार के अंदर जाना चाहते हो तुम कार के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि 10 किलोमीटर पर आवर से तू 100 किलोमीटर पर आवर तक जब जाएगा तो कितने गियर तू चेंज करके जाना चाहता है कितने गियर लगाना चाहता है 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में तो आपने कहा सर मैं यहाँ पे छः छः गेयर लगा के जाऊँगा तो मतलब छह गेयर आप यूज करोगे नंबर ऑफ गियर्स नंबर ऑफ गेयर जो आप यूज करोगे वो आप क्या यूज करोगे स्पिंडल ओके स्पिंडल स्पीड जो आपको चाहिए या नंबर ऑफ गियर्स या नंबर ऑफ स्टेप जो आपको चाहिए वो आपने बोला स्मॉल एंड मतलब आपने बोला क्या छे. आ गई बात समझ में और आपने एनिमिन के लिए बोल दिया मैंने ऐसे ही ले लिया देखो मिनिमम आरपीएम आपने कहा कि सर 100 आरपीएम लूंगा लूँगा मैं 100 रिवॉल्यूशन पर रिवॉल्यूशन पर मिनट ये मैं मिनिमम लूँगा और मुझको मैक्सिमम चाहिए सर हजार रिवॉल्यूशन पर मिनट तो देखो आपका जो आर था वो कैसे निकलता है वो आर निकलता है आपका ध्यान से सुनना वो होता है आपका एन मैक्स डिवाइड बाय एन मिन की पावर वन डिवाइड बाय स्मॉल एन माइनस वन ठीक है एन मैक्स कितना था तुम्हारा लेट से तुम्हें पता है कि एन मैक्स तुम्हारा 1000 थाउजेंड आर पी एम था एन मिनिमम तुम्हें पता था कि 100 आर पी एम था की पावर 1 डिवाइड स्मॉल एन क्या था 6 माइनस वन बेटा कितना आ गया मैंने ऐसी रफ डाटा लिया है कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे तुम्हारा हाँ सर पी ग्रुप में दे दीजिएगा बेटा तुम ज्यादा लोग आते ही नहीं हो मजा नहीं आता मेरे को फिर पीडीएफ देने का है चलो मैं तो इनफैक्ट सोचा हूँ उसको मैं प्राइवेट कर दूँ कोई मतलब ही नहीं है की पावर वन डिवाइड बाय फाइव ठीक है बेटा यहाँ पर जो आर आ रहा है ये आ रहा है वन पॉइंट फाइव एट फोर ये है तुम्हारा आर ये है तुम्हारा आर ऐसे निकलता है आर आ गई बात समझ में मतलब ये क्या हुआ मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पर एन वन, अगर तुम्हारा एन वन यहां पर क्या है हंड्रेड है एन तो टू क्या होगा तुम्हारा एन टू होगा हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फाइव हाँ अच्छा मैं बार बार नहीं लिखूंगा ठीक है यहाँ आर की वैल्यू बार बार नहीं लिख रहा हूँ तो जगह नहीं बचेगी हंड्रेड इन टू आर और आर क्या था अभी जो निकाला था अब आपका एन थ्री क्या होगा एन थ्री होगा हंड्रेड इंटू आर स्क्वायर आपका एन फोर क्या होगा हंड्रेड इंटू आर की पावर क्यूब यहाँ पे एन फाइव क्या होगा वो होगा हंड्रेड इन टू आर की पावर फोर आपका n6 क्या होगा क्योंकि छह स्पीड तक जाना चाहते थे तो ये मैक्सिमम है एन सिक्स क्या है मैक्सिमम तो ये था आपका हंड्रेड इंटू आर की पावर हंड्रेड इंटू आर की पावर फाइव ठीक है अब अगर मैं देखूँ आंसर की पावर फाइव ओके ओके आंसर की पावर फाइव ओके इंटू हंड्रेड बेटा ये आपका नियर बाय अपने मेरे कैलकुलेटर में आप देख लो

थोड़ा कैलकुलेशन वाला हिसाब भी देख लेते हैं मैं वर्क होल्डिंग डिवाइस पे आने वाला था पर मैंने सोचा पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन का हिसाब देख लेते हैं बेटा टर्निंग ऑपरेशन ज़्यादातर जा, यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है ना लेथ में वो जब आप टर्निंग करते हो तो कहता है कि भाई मशीनिंग टाइम कितना है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा अभी जैसे कि आपका यहाँ पर वर्क पीस है है ना यहाँ पर आपका ये वर्क पीस है ये वर्कपीस पीस है ठीक ये रहा वो वर्क पीस और ये वर्क पीस अभी आपका कहाँ लगा हुआ है लेथ में लगा हुआ है ये रहा लेथ में लगा हुआ है लेथ में लगा हुआ है ठीक है अब अगर तुम अपने टूल को यहां से स्टार्ट करते हो टर्निंग ऑपरेशन के लिए ठीक है तो अगर तुम टूल का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से मानते हो तो ये डिस्टेंस भी टूल ट्रेवल करेगा मशीनिंग करने के दौरान तो इसको हम कहते हैं अप्रोच डिस्टेंस इसको हम कहते हैं अप्रोच डिस्टेंस कैपिटल ए यहां पर क्या है अप्रोच डिस्टेंस है ठीक है कैपिटल ए क्या है यहां पर अप्रोच डिस्टेंस है ठीक है यहां पर जो कैपिटल ए है ये है अप्रोच डिस्टेंस अप्रोच डिस्टेंस अप्रोच डिस्टेंस ठीक है अप्रोच डिस्टेंस अब जब ये टूल ट्रेवल करके आया और मशीनिंग करेगा तो भाई बना लेते हैं इसको भी है ना? ये यहां पे गया और अपन यहाँ पे आ गए फटाक से ये देखो अप्रोच डिस्टेंस को हटाया टूल को हटाया ये पूरे माहौल को हटा दिया मैंने अब देखो यहाँ पे अब तुम जब यहाँ मशीनिंग करोगे जब ये टूल मशीनिंग कर रहा होगा तो अप्रोच करता हुआ ये वर्क पीस के पास आया और उसकी इसने कर डाली मशीनिंग है ना उसकी इसने कर डाली मशीनिंग ये रहा टूल ये रहा भाई आपका टूल मशीनिंग करता हुआ आया और इस टूल को जो मशीनिंग करनी थी वो सिर्फ यहाँ तक करनी थी ये वो लेंथ थी ये वो लेंथ थी जहाँ तक तुम मशीनिंग करना चाहते थे तो मैंने इसको बोल दिया ये कौन सी लेंथ है भाई ये आपकी वो लेंथ है जहाँ तक तुम मशीनिंग करना चाहते थे तो टूल अप्रोच ट्रेवल करके आया फिर मशीनिंग करने के लिए यहाँ से लेके वर्क पीस की इस लेंथ तक क्या करेगा मशीनिंग अगर गलती से टूल लेट से अगर गलती से टूल यहां पर या आपने जानबूझ के टूल को क्या किया आपने जानबूझ के टूल को ओवर ट्रेवल कराया एल लेंथ के बाद भी अगर आप टूल को लेके जाते हो तो उस लेंथ को अपन पता है क्या बोलते हैं यहां से लेके ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ को अपन पता है क्या बोलते हैं ओवर ट्रेवल डिस्टेंस बात आई समझ में आप बात आई समझ में दोबारा समझो टूल आपका इस पोजीशन से यहां आएगा वर्कपीस के पास तो एक तो अप्रोच डिस्टेंस टूल ने ये डिस्टेंस चली फिर टूल मशीनिंग करता हुआ है ना और आपको वर्कपीस को लेट से कि इतनी लेंथ तक क्या करना था मशीनिंग करना था आपकी जो डिजायर वैसे थी वो सिर्फ इतनी लेंथ तक क्या थी मशीनिंग करने की थी बट आपने क्या किया आपने क्या किया आपने यहां तक मशीनिंग तो करी अगर आपने गलती से या जानबूझ के टूल को इस लेंथ के भी आगे ले गए तो आपने बोला भाई डिस्टेंस आपने क्या बोला ओवर ट्रेवल तो टूल की टोटल सब कुछ दे दिया अगर क्वेश्चन में अप्रोच या ओवर ट्रेवल नहीं देता है तो जो भी मशीनिंग लेंथ दे रखी हो जो भी मशीनिंग लेंथ दे रखी हो सिर्फ और सिर्फ उसी को क्या करें कंसीडर करें आगे बात समझ में दूसरा देखिए आपका टूल मूव कर रहा है इस तरीके से है ना इसकी ये फीड है फीड है और दूसरा आपका ये भी रोटेट भी तो कर रहा होगा आपका यहाँ पर ये वर्क पीस ऐसे यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो वर्क पीस है ये इस तरीके से रोटेट भी तो करेगा रोटेट भी तो करेगा एन आर पी एम ठीक है अच्छा आप टूल को जो फीड देते हो वो ये वाली देते हो फीड ओके ये क्या होता है एफ एम एम पर रिवॉल्यूशन और ये क्या है रिवॉल्यूशन पर, पर, पर मिनट बेटा मेरे को यहाँ पे निकालना है मशीनिंग टाइम मुझे यहाँ पे निकालना है क्या मशीनिंग टाइम अगर मुझे यहाँ पे मशीनिंग टाइम निकालना है टी इज वॉट मशीनिंग टाइम मशीनिंग मशीनिंग टाइम निकालना है मुझे निकालना है मशीनिंग टाइम तो मशीनिंग टाइम में कैसे निकालूंगा डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज एल ओके डिस्टेंस ट्रेवल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज एल डिवाइड बाय टूल का वेलोसिटी डिवाइड बाय टूल का क्या वेलोसिटी हाँ डिवाइड बाय आपका यहाँ पे टूल का क्या वेलोसिटी ये रहा वी लेट्स से वी एक्स इज वेलोसिटी ऑफ द टूल बट आपको तो ये एफ दे रखा है और आपको तो यहां पर सिर्फ ये आरपीएम और एफ दे रखा है तो so टूल की ये जो विलॉसिटी है वी वो कैसे निकलेगी वो निकलती है आपकी ध्यान से सुनना वो निकलती है आपकी हाँ वी एक्स जो आपका निकलता है वी एक्स आपका निकलेगा आप इनटू कर दीजिए फीड इनटू आपके आरपीएम को ठीक है फीड इनटू आपके आरपीएम को आप यहां पे क्या कर दीजिए इनटू mm एमएम पर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पर मिनट तो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पर एमएम पर मिनट हाँ तो ये जो आ गया आपका ये आ गया mm पर मिनट mm पर मिनट टूल का क्या आ गया वेलोसिटी आ गया ये क्या आ गया आपका टूल का वेलोसिटी आ गया सिंपल अब इसको यहां पे क्या कर देना है अपने को डिवाइड कर देना है दैट इज f एन। ये कितना आ गया आपका इतने मिनट इसका मशीनिंग टाइम आ गया है इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां पर थोड़ा सा और यहां पे देख लेते हैं यहां पर है ना मैंने आपको ये कटिंग टाइम बता दिया है अभी डेप्थ ऑफ कट हटाओ एवरेज ये हटाओ दूसरा मेटल रिमूवल रेट कितना होगा अरे मेटल रिमूवल रेट कितना मटेरियल तुम यहां पे कट कर रहे हो अगर तुम देखो तो यहां पर ये जो डायमीटर तुमको ऑप्टेन हुआ ये तुम्हारा लेट से डी वन था इनिशियल ये डी वन था और ये डायमीटर क्या था तुम्हारा ये था डी टू तो कितना क्रॉस सेक्शन एरिया तुमने काटा पाई बाय फोर डी वन स्क्वायर माइनस पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर तो तुमने यहाँ पे जो सेक्शन एरिया काटा वो काटा पाई बाय फोर डी वन का स्क्वायर माइनस पाई बाय फोर डी टू का स्क्वायर इतना सेक्शन एरिया कट किया तुमने इतना सेक्शन एरिया यहाँ पे कट किया कितना लेंथ पर मिनट से कट किया दैट इज वॉट दैट इज वी एक्स दैट इज वी एक्स तो इतना आपका वॉल्यूम इतना आपका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहाँ पे क्या हुआ रिमूव हुआ इतना वॉल्यूम आपका पर यूनिट टाइम क्या हुआ रिमूव हुआ इज दैट क्लियर उसके बाद आपकी यहाँ पर आती है कटिंग स्पीड देखो टूल की स्पीड और कटिंग स्पीड में अंतर है यहाँ पे टूल की स्पीड थी भी कि टूल कितना लीनियरली आगे जा रहा है कटिंग स्पीड होती है कि आपका जो ये वर्क पीस है, है ना आपका ये जो वर्क पीस है ये जो ऐसे रोटेट कर रहा है आर तो जितनी तेजी से ये रोटेट करेगा उतनी तेजी से ही इसकी कटिंग होगी समझ रहे हैं आप उतनी तेजी से इसकी कटिंग होगी तो इसका आर इसका डायामीटर तो जो इसका कटिंग वेलोसिटी होगा जो इसका कटिंग वेलोसिटी होगा वो इस पॉइंट पे टेंजेंशियली से नीचे लग रहा होगा तो यहां पे क्या हुआ कटिंग वेलोसिटी? कटिंग वेलोसिटी आपका हुआ पाई डी वन एन डिवाइड बाई था डी वन क्योंकि अगर एम mm एम के अंदर है वर्कपीस का डायमीटर क्योंकि अगर mm के अंदर है तो पाई डी वन एन बाय थाउजेंड मीटर पर मिनट क्या ये चीजें क्लियर है यस और नो अब मैं यहां पे एंटर हो जाऊंगा आपके वर्क होल्डिंग डिवाइस को लेके बेटा वर्क होल्डिंग डिवाइस इसको भी याद रखने वाली चीजें हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस ठीक है देखो एक तो होता है आपका थ्री जो चक सेल्फ सेंटरिंग चक और एक होता है फोर जो चक ठीक है ये आपके सिलेंड्रिकल टाइप के वर्कपीस को क्या करते हैं होल्ड करते हैं एक होता है आपका मेंड्रल मेंड्रल इस तरीके की रॉड होती है ध्यान से अगर आप देखें तो मेंड्रल इस तरीके की ऐसी ऐसे रॉड होती है देख रहे हैं आप ये इस तरीके की ऐसे रॉड होती है ये जो आप देख रहे हो ऐसे रॉड होती है इसके ऊपर तुम हॉलो टाइप के वर्कपीस को माउंट कर सकते हो बेटा जैसे आप देख सकते हो ये येलो कलर का वर्क पीस है क्रॉस एक्शन अपन देख रहे हैं है ना ये वर्क पीस ऐसा हॉलो वर्क पीस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे माउंट कर सकते हैं ऐसे वर्क पीस को हम यहाँ पर माउंट कर सकते हैं ठीक है तो मेंड्रल आपका हॉलो वर्क पीस को होल्ड करने के क्या आता है काम आता है मेंड्रल आपका हॉलो टाइप के वर्कपीस को होल्ड करने के क्या आता है काम आता है समझ में आ गई बात तो ये तो हो गया आपका मेंड्रल उसके बाद जो आप ये देख रहे हो ये होता है बेटा कोलेट ये जो आप देख रहे हो ये कोलेट होता है कोलेट भी आपके सिलेंड्रिकल टाइप के वर्क पीस को होल्ड करने के काम आता है पर कौन सा सिलेंड्रिकल इतना बड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का नहीं वैस ऐसा वर्क पीस सिलेंड्रिकल जिसका डायमीटर बहुत स्मॉल है अब अगर डायमीटर स्मॉल है तो आपके अगर डायमीटर स्मॉल है तो आपके थ्री जो या फोर जो चक में होल्ड नहीं हो सकता क्योंकि डाया ही इतना स्मॉल है इन इन टीथ की इन जॉ की भी लिमिटेशन देखो ये एक लिमिट तक ही आगे आ सकते हैं उसके बाद रुक जाएंगे ये भी एक लिमिट तक ही आगे आ सकते हैं उसके बाद ये रुक जाएंगे अगर डाया इनसे भी छोटा है तो थ्री जो या फोर जो चक के अंदर आप होल्ड नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ होल्ड करते हैं हम उसको यूज करते हैं हम उसको होल्ड करते हैं आपके कोलेट के अंदर होल्ड करते हैं बेटा यहाँ कोलेट का ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा ओके कोलेट का आप जो ये हिस्सा देख रहे हो ये इतना काफी छोटा होता है जैसी वर्कपीस अंदर जाएगा इसके टीथ बाहर की तरफ खुल जाते हैं और आपका जो वर्कपीस है बहुत ही आसानी से यहां पर क्या हो जाता है यहां पर बहुत ही आसानी से आपका यहां पर ऐसे होल्ड हो जाता है देख रहे हैं ऐसे अंदर जाता है और ऐसे होल्ड हो जाता है क्लियर नेक्स्ट जो आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस आता है बेटा उसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक चक ये जो आप देख रहे हो मैग्नेटिक चक है अगर वर्कपीस सिलेंड्रिकल है अगर वर्कपीस आपका सिलेंड्रिकल है ना अगर वर्क पीस आपका सिलेंड्रिकल है बट उसकी जो लेंथ है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है अब एक बात बताओ स्मॉल लेंथ का वर्क पीस टाइप का वर्क पीस है स्मॉल लेंथ है चक के अंदर जा पाएगा अरे चक के अंदर जाने के लिए भी वर्क पीस की अच्छी खासी लेंथ होनी चाहिए यहाँ तो वो लेंथ है ही नहीं तो इसके चलते हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ये मैग्नेटिक चक मैग्नेटिक चक इसके फेस को ऐसे मैग्नेटिकली क्या करता है होल्ड कर लेता है आगे बात समझ में नेक्स्ट आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है वो है आपका ये दैट इज फेस प्लेट फेस प्लेट आपका अगर वर्कपीस बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर आपका कोई वर्क पीस अगर आपका कोई वर्क पीस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स शेप का है कॉम्प्लेक्स शेप का है और कॉम्प्लेक्स शेप के चलते वो किसी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस में अगर ढंग से होल्ड नहीं होता है तो हम यूज़ करते हैं बेटा फेस प्लेट ठीक है फेस प्लेट तो इतना याद रखिए ओके बाकी कल फिर मिलते हैं इसी समय कल नहीं परसों ओके चलिए गुड बाय